अगर आप भी लौकी की वही पुरानी रेसिपीज़ खा खा के हो चुके हैं बोर, तो फिर फ्रेंड्स सिर्फ एक बार मेरे बनाई हुई लौकी के नाश्ते की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। घर वाले खुश हो जाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। चलिए देखते हैं। ईशा, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ दमदार किचन। यहाँ एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी, और इसमें डाल देते हैं 8-10 लहसुन की कलियाँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और लो रखा हुआ है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली कट करके, और 2 लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर रफली कट कर। इसको अब कवर करके हम लो फ्लेम पे बस आधा मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इतना कि ये जो टमाटर का छिलका होता है ना, ये ऐसे अलग होने लगे, ये देखिए। बस तो इतना ही कुक करेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1/4 कप मूंगफली के दाने। इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी कि बिना किसी तेल वेल डाले इसको भून लिया था। और इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दिया है। और अब इसमें जो हमारा ये लहसुन प्याज और टमाटर था, हल्का ठंडा हो गया था, वो ऐड कर दिया। साथ ही डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच गुड़। बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इसका। तो इसको मैंने पीस लिया है, और ये देखिए हमारी होटल से भी ज़्यादा अच्छी चटनी बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, बट मैं एक्स्ट्रा तेल अवॉइड कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर ली है 1 लौकी, और इसका सबसे पहले तो निकाल लेते हैं छिलका। तो मैं तो इस तरह से निकालती हूँ, चाकू से बहुत जल्दी निकल जाता है, आप चाहें तो पीलर की हेल्प से निकाल सकते हैं। और इसको कर लिया है मैंने वॉश। तो बस इस 1 लौकी से हमारा बनेगा बहुत ही बढ़िया वाला नाश्ता। इसको सबसे पहले तो हम मिक्सी के जार में डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, इस तरह से रफली कट कर लेंगे इसको, और इसके बाद इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने बिना पानी डाले इसको पीस लिया है। छानने की ज़रूरत नहीं है, अगर बीच में आपको एक आधे बड़े पीसेस मिले ना तो उसको हटा दीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे डाला है टोटल 2.5 कप चावल का आटा, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे कि इसमें लम्ब्स ना बने। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको इस तरह से घोलते जाइए। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो उसके लम्ब्स ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए ये अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो थोड़ा पानी और जाएगा, तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं। और इसमें मैंने टोटल ऐड किया है 5 कप पानी। तो 2.5 कप चावल का आटा लिया था और 5 कप पानी, बाकी हमारा लौकी का पेस्ट हो गया। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार, और नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने लिया है नॉनस्टिक का तवा, थोड़ी सी बूंदें डाल दी हैं तेल की और थोड़ी डाल दी हैं पानी की। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से वाइप कर देते हैं, और इसके बाद तवे के टेम्परेचर को वापस सेट होने देंगे। मतलब ध्यान रहे कि जब हम ये बैटर डालें ना तो तवा थोड़ा गर्म होना चाहिए, तभी हमारा बैटर इसमें चिपकेगा। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। मैं बहुत कम तेल लगा रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है, फ्लेम को हाई मत करिएगा, बस मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तो बहुत जल्दी से ये हो जाएगा। और इसको एक ही साइड से पकाएंगे, दूसरे साइड से पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी सा हमारा डोसा बनके तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा लग रहा है। तो जो अगला डोसा हम बनाएंगे ना, उसको बनाने से पहले हमें क्या करना है कि ऐसे पानी के छींटे डालने हैं, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से वाइप कर देना है। फिर वापस ये जो हमारा बैटर है इसको चला लेंगे, क्योंकि क्या होता है पानी ऊपर आ जाता है और बैटर नीचे बैठ जाता है। तो चलाने के बाद ही इसको तवे पर डालें, और ध्यान रहे कि गर्म तवे पर ही हम इसको डालेंगे, और बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। तो ये देखिए हमारे बढ़िया से डोसे बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी वाली चटनी के साथ। तो बहुत इजी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इन्जॉय।